आपकी आंखों पे डार्क सर्कल्स है, आसपास में काले घेरे पड़ गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज बताने वाली हूँ मैं कुछ बेहतरीन नेचुरल रेमेडीज जो बहुत तेज़ी से आपकी आंखों के आसपास के काले घेरे को दूर करेगा। यस, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है क्योंकि इंडिया में 5 में से 2 लोगों को तो पक्का डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आज मेरे वीडियो में आपको इसका ज़रूर समाधान मिल जाएगा। मैं हूं रोहिणी, आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे हेल्थ एंड ब्यूटी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेमेडी नंबर 1, यू हैव टू अप्लाई एलोवेरा जेल एंड यू हैव टू जस्ट पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ टमेटो जूस और लेमन जूस, और उसे अच्छे से करना है मिक्स और अप्लाई करना है अपनी आँखों के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मसाज करना है एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स एंड देन क्लोज योर आइज, टेक रेस्ट फॉर 3-4 मिनट्स, दैट्स इट। वॉश इट फ्रॉम कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, एंड देन यू आर डन। दिस यू हैव टू रिपीट ट्वाइस अ डे, ओके, सोने से पहले और उठने के बाद। नेक्स्ट कम टू द रेमेडी नंबर 2, यू हैव टू अप्लाई कोल्ड मिल्क, ओके, कोल्ड मिल्क लाइक आपको फ्रीज में रखना है मिल्क, और फिर आपको कॉटन बॉल को डिप करना है उस मिल्क में, एंड देन आपको उसी तरह से अपने आँखों के चारों तरफ उस कॉटन बॉल को जस्ट पुट इट हियर, ओके, बस इतना ही करना है आपको एंड यू आर डन। और आपको इसे भी कम से कम आपको रखना है, आपको 3 से 4 मिनट तक तो रखना ही चाहिए। ऐसे लिखता है कि 9 से 10 मिनट, बट इतना तो कोई नहीं कर पाएगा, कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स आपको रखना होगा। एंड देन इसे भी आपको रिपीट करना है सोने से पहले और देन उठने के बाद आपको करना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 3rd टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3rd जो रेमेडी है वो है आपको अप्लाई करना है टी बैग, ग्रीन टी बैग भी हो सकता है, आपको नॉर्मल जो चाय होती है उसको भी, बस रेड टी को जस्ट बॉयल करके विदाउट शुगर उसमें लेमन ऐड करना है, कॉटन बॉल के साथ उसको फ्रिज में रख दीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तो उस कॉटन बॉल को अपनी आंखों पर चिपका लीजिए। सेम थिंग आपको करना है 2 times। तो ये सारी रेमेडीज़ बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको जो बेस्ट रेमेडीज़ है, जो वर्किंग रेमेडीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आपको एक और मैं बता देती हूँ, चाहे आप रेमेडी कितनी भी कर लें, अगर आप एक अच्छी वाली क्रीम अप्लाई नहीं करते हो तो अंडर आई क्रीम लगाना इज़ मस्ट, ओके, डार्क सर्कल के लिए या कोई भी, जब एक एज हो जाती है ना, 30+ आप हो जाते हो, तो एक अच्छी वाली अंडर आई क्रीम आप ज़रूर लगाइए, चाहे आप डॉक्टर से पूछ लो या आप खुद से। आजकल तो हम सभी स्मार्ट हो गए हैं बाबा, स्टार रेटिंग चेक करके, रिव्यू चेक करके हम ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे ब्रांड कुछ बता सकती हूँ, लॉरियल का आता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड देखो, मैं तो सिंपल बता रही हूँ, मैं अभी तक आज तक मैंने अंडर आई जेल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ, मेरा वो फेवरेट है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एलोवेरा वाली टिप बताई। बट इवन दो आई विल टेल, अगर क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं या नहीं है, लेकिन जिसको है उसको अंडर आई जेल, अंडर आई क्रीम, डार्क सर्कल्स की क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए, ओके, ये मस्ट है। क्योंकि कुछ भी है, अगर आपको वो बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली उसी चीज़ के लिए बने होते हैं, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेगा, ओके। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं कुछ अच्छे अंडर आई जेल या क्रीम की जो लिंक है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परचेज ज़रूर करना, लगाना ज़रूर, बिकॉज़ अगर आप नहीं लगाओगे तो सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर रिलाई करते हो, तो आई थिंक इट इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको रिकवर करने में। सो आप जल्दी से इफेक्ट देखना चाहते हो तो ये जो मैंने रेमेडीज़ बताया, इस रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए एक अच्छा सा अंडर आई क्रीम ले लो और यूज़ करो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बातें करेंगे, और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।